वहीं नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के वीवीआई पहुंच रहे हैं। वहीं ऐसे में इस कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने खास इंतजाम किए हैं। वहीं दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है ताकि लोगों को किसी भी तरह की समस्या ना हो। वहीं ट्रैफिक प्रतिबंधों के चलते कई जगहों पर यातायात को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में ट्रैफिक जाम और प्रतिबंध से बचने के लिए आप दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी में कहा गया है कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाली यात्री समय से पहले घर से निकले। ऐसे में दिल्ली मेट्रो इन यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। लोग दिल्ली मेट्रो से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट आसानी से पहुंच सकते हैं। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें कहा गया है कि रविवार को रफी मार्ग से होते हुए मदर टेरेसा क्रेसेंट मार्ग और विजय चौक के पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस अपने नियंत्रण में ले लेगी।